हेलो एंड वेलकम गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले यहाँ पे न्यू टीयर इफेक्ट्स के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे बीजेम एंड पबजी वाले दोनों में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो यहाँ पे जो कॉन्करर एंट्री होती है एंड अदर टीयर्स होते हैं उनकी जो थोड़ी बहुत चेंज कर दी गई है। प्लस गए यहाँ पे बात करेंगे एक अचीवमेंट के बारे में, जिसमें से आप जो फ्री में जो 110 अचीवमेंट पॉइंट्स प्लस यहाँ पे 4 जो है प्रीमियम क्रेडिट ले सकते हो। क्या कुछ करना रहेगा सो सब कुछ बताने वाले, सो वीडियो को फॉलो जरूर से वॉच करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यू अचीवमेंट के बारे में। सो ये जो अचीवमेंट ऑलरेडी था गेम में बहुत पहले से बीजेम एंड पबजी वाले दोनों में, बट ये थोड़ा रिफ्रेश कर दिए गए हैं, कुछ और पार्ट जो ऐड कर दिए गए हैं। सो गाइस यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे मिशंस में एंड गाइस यहाँ पे अचीवमेंट्स में, एंड यहाँ पे आपको जाना प्रोग्रेस में एंड नीचे स्क्रॉल करना थोड़ा, यानी आपको ये जो बैटल हार्डन अचीवमेंट है आपको देखने को मिल जाएगा, यानी ऑलरेडी था आपको पता होगा। प्लस गए यहाँ पे देख सकते हो ये जो है लास्ट एस्ट ईयर तक था, जो कि यहाँ पे बैटल हार्डन 5 है, बट यहाँ पे 2 पार्ट्स और ऐड कर दिए गए, जो कि यहाँ पे बैटल हार्डन 6 एंड बैटल हार्डन यहाँ पे 7 है। सो इसमें आखिर करना क्या है? सो सबसे पहले तो यहाँ पे जो बैटल हार्डन 6 है ना, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, एस मास्टर टीयर है उसको आपको सिंपली रीच करना होगा। अगर आप ऑलरेडी रीच कर दिए हो एंड पबजी मोबाइल में अगर आपका अकाउंट है अपने अपडेट कर लिया, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इजीली। प्लस अगर यहाँ पे जो है बीजीएम में 17 डेट से पहले ये जो अचीवमेंट आ जाता है ना, आप ऑलरेडी एस मास्टर पे हो, तो आपका ये जो कंप्लीट हो जाएगा, आपको दोबारा से जो है सी1 S2 में रीच करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप रीच नहीं किए तो आपको दोबारा से सी1 S2 में जो है रीच करना पड़ेगा। सो इसका जो रिवार्ड है ना, वो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 अचीवमेंट पॉइंट प्लस यहाँ पे 2 जो है प्रीमियम ग्रेड आपको मिल जाएंगे। उसके बाद गए यहाँ पे आप देख सकते हो बैटल हार्डन आपको 7 देखने को मिल जाता है। सो इसमें आपको सिंपली एस डोमिनेटर जो है आपको रीच करना रहेगा। सो ये भी इसका भी सेम ही चीज़ है, अगर आपने ऑलरेडी रीच कर दी हो एंड यहाँ पे एस मास्टर तो हो ही गया होगा आपका, तो अगर आप ये रीच कर दिए तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने जो है बीजेएमआई का 1.7 का अपडेट 17 पहले से कर लिया होगा तो, एंड पबजी मोबाइल का तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर आप रीच नहीं कर पाए इस बार सी1 S1 में, तो आप सी1 S2 में दोबारा से रीच कर सकते हो एस मास्टर एंड एस डोमिनेटर। एंड यहाँ पे अगर आप ये दोनों यहाँ पे जो है एस मास्टर यहाँ पे कर देते हो एंड एस डोमिनेटर भी आप कर देते हो, तो यहाँ पे आपको तो कहीं यहाँ पे आपको जो देखते तो यहाँ पे एस डोमिनेटर रीच कर दोगे, तो यहाँ पे आपको जो 60 अचीवमेंट पॉइंट्स प्लस यहाँ पे 2 जो आपको प्रीमियम ग्रेड मिल जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ पे जो अपडेट है बीजेएम एंड पबजी मोबाइल का दोनों को 17 से पहले आपको देखने को मिल जाता है, तो ये जो आप इजिली कंप्लीट कर सकते हो सी1 S1 में ही। अगर आप यहाँ पे अपडेट नहीं आता तो सी1 S2 में आपको जाना पड़ेगा एज डोमिनेटर तक। एंड टोटल जो यहाँ पे अचीवमेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पे 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110 अचीवमेंट पॉइंट्स प्लस यहाँ पे 4 प्रीमियम ग्रेड्स। तो गाइस आई आपको ये जो अचीवमेंट है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो आप कर सकते हो इसको इजीली अब। सो गाइस यहाँ पे उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एंट्री स्लैश यहाँ पे टीयर इफेक्ट्स के बारे में, जो कि आपको सीजन एंड होने के बाद आप मिलते हैं। सो पहले के जो यहाँ पे इफेक्ट्स थे, यहाँ पे एंट्री इफेक्ट्स स्लैश यहाँ पे टाइटल्स थे, वो यहाँ पे जो पिछले सीजन के इफेक्ट्स के हिसाब से चल रहे थे, बट अब यहाँ पे साइकिल इंप्लीमेंट कर दिए गए, तो उसके हिसाब से थोड़े चेंज भी किए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे सीजन सेक्शन में, और यहाँ पर जैसे सीजन सेक्शन में लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो मैं आपको जो न्यू इंटरफेस आया है साइकिल एडवेंचर, सो इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको साइकिल जो है बैजेस देखने को मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करोगे तो प्रीवियस सीजन में जो भी आप टीयर्स पे रीच किए थे वो आप यहाँ पे जो उसके बैजेस देख सकते हो, प्लस यहाँ पे साइकिल स्टेटस देख सकते हो अपना, एंड यहाँ पे साइकिल रिवार्ड्स भी देख सकते हो। सो ये डायमंड एंड क्राउन एंड एज की आपको जो है क्रेट देखने को मिल जाती है, आप जैसी पूरी साइकिल खत्म हो जाएगी आपको मिल सकती है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे टीयर इफेक्ट्स की, तो यहाँ पे जो टीयर इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पे क्राउन से स्टार्ट होते हैं। सो ये क्राउन टीयर में आपको जो है 5 जो है लेवल्स देखने को मिलते हैं, 5 वो करते हो तो यहाँ पे आपको एक कूपन्स एंड ईजी मिलती है, प्लस यहाँ पे टीयर एट एक प्रोटेक्शन कार्ड, एंड यहाँ पे आपको एक सी1 S1 का नेम टैग देखने को मिलता है। उसके बाद सिल्वर भी सीजन एंड होने के बाद, एंड यहाँ पे जब आप टीम को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे एक इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ इफेक्ट होने वाला जो क्राउन का जब आप टीम ज्वाइन करोगे। सो इसमें आपको साउंड भी देखने को मिलता है, उसको सुन सकते हो। तो क्या ये तो कि यहाँ पे क्राउन का इफेक्ट जब आप टीम में एंटर करोगे किसी के, एंड उसके बाद यहाँ पे इसमें आपको पैराशूट प्लस यहाँ पे आपको एक न्यू सी1 S1 यहाँ पे टाइटल मिलेगा, प्लस यहाँ पे टैग भी मिलेगा, एंड यहाँ पे स्क्रीन डिस्प्ले मिलते हैं सीजन एंड होने के बाद। सो इसका भी आप जो यहाँ पे एंट्री इफेक्ट है उसको देख सकते हो। तो ये जो यहाँ पे इफेक्ट्स हैं ये यहाँ पे HD ग्राफिक्स में है,
ये आप दोबारा से देख सकते हो ऐसा कुछ होने वाला हमारा इसका। उसके बाद यहाँ पे आगे चले तो यहाँ पे जो है एस मास्टर टीयर ये न्यू ऐड किया था। सो इस पे आपको 10 स्क्रैप्स एंड यहाँ पे आपको न्यू टाइटल एंड प्लस यहाँ पे नेम टैग एंड यहाँ पे आपको जो प्रीव्यू भी देखने मिल जाता है। सो इसका आप जो देख सकते हो प्रीव्यू हमारा जो है यहाँ पे इफेक्ट का, टीम इफेक्ट का, एंट्री का। तो यहाँ पे जो एज के बाद के दो टीयर्स हैं उनमें थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो एज डोमिनेटर में यहाँ पे आपको एक अवतार प्लस यहाँ पे न्यू यहाँ पे टाइटल प्लस नेम टैग एंड प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्करर की। सो इसमें का आपको जो न्यू फ्रेम भी देखने को मिल जाता है, प्लस यहाँ पे जो है आप देख सकते हो C1S1 पबजी कॉन्करर, यहाँ पे BGMI होगा यहाँ पे पबजी की जगह, प्लस आपको एक न्यू टैग देखने को मिल जाता है एंड इसमें आपको 2000 सिल्वर एंड यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो इफेक्ट का। सो गाइस दोबारा से आपको मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस कौन सा आपको बेस्ट लगा कमेंट जरूर से कर देना आप। सो गाइस आइए आपको जो वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद लेकर आ सकते हो, चैनल पे कर सकते हो, कॉल पे जरूर कर लेना। मैं आपको वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।